हेलो फ्रेंड्स, आज हम मैकरल यानी कि बांगड़ा उसे कट कैसे करते हैं होममेड स्टाइल में आपको दिखाएंगे। अगर मार्केट में आप खरीदने जा रहे हो तो उधर भी आपको कट करके देंगे, लेकिन अगर आप घर पे लाते हो पूरी मच्छी तो उसको कैसे कट करेंगे ये आज हम सीखेंगे। तो मम्मी थोड़ा बताइए। ये जो है ना मैकरल, इसको यहाँ से फिन्स रहते हैं, देखिए इसको निकालना चाहिए। इस एक दो, एक दो तीन चार, इधर से पिंस लेते हैं और ये इसकी टेल है, तो उसे निकालना चाहिए। सबसे पहले मैं इसको यहाँ पर देखिए कट करूँगी। इसको आधा कट करने के बाद यहाँ से उसका छिलिए ऐसे, ठीक है, और बाद में इसका जो अंदर का भाग है वो निकालिए, ये पूरा निकालिए, इसमें फिंगर डालिए, पूरा साफ करिए। बाद में उसके पानी में डाल के अंदर का जो पूरा है ना वो भी निकालिए, वो सब ब्लैक ब्लैक सब निकालना चाहिए। उसका जो फिन्स है वो कट करेंगे ऐसे, फिन्स कट करो। चाहिए तो इसको नाइफ रहती है ना, किचन नाइफ, वो भी उससे भी कट सकते हैं ना। फिन्स, हाँ फिन्स सब गए उसके, तो अभी उसको काटना चाहिए। तो पीछे के भाग से लेके इधर से नहीं कटना, इधर से पीछे से कटना है। ओके ओके, ठीक है, देखिए बराबर से ऐसे ऐसे काटना। ओके ओके ओके, और तीन पीस बना डालो उसका, तीन पीस। अगर बहुत ही मोटा मैकरल है तो चार भी कर सकते हैं ना, ऐसे भी कर सकते हैं। और दूसरा तरीका ऐसा है, जब ये देखिए और एक बंगड़ा इधर, इसका पहले भी फिन काट सकते हैं तो भी अच्छा रहता है। देखिए ऐसा भी कर सकते हैं, पूरे का पूरा फिन्स काटो उसका। ऐसा काटिया, बाद में देखिए कुछ भी नहीं है, उसको स्केल्स भी नहीं है, देखिए है तो जाएगा नहीं, लेकिन ज्यादा प्रिपरेशन का उसका एक एडवांटेज रहता है, उसको ज्यादा फिन्स नहीं रहते हैं, स्केल्स नहीं रहते, मतलब हाँ स्केल्स नहीं रहते। देखिए इसको काट कर ऐसा भी फेंक सकते हैं, इधर से इसको छिलो, ये निकालो इसका, एक दूसरा निकालो, बाद में उसके हेड का पोर्शन पूरा निकाला तो ही अच्छा है ना मम्मी। हाँ एक गिल्स है उसको निकालो, वो बाहर फेंको, ये सब पूरा अंदर का जा ब्लैक ब्लैक जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो पूरा बाहर निकालना है। देखिए मेरे हाथ को भी ब्लैक ब्लैक लगा है, उसका ब्लड भी खून भी निकल रहा है, तो इसको पानी में धो और थोड़ा उसको साफ करो, अपने हाथ भी साफ होते हैं बाद में, देखिए। और है तो भी निकालो, अभी कुछ भी बाकी है तो पूरे का पूरा ब्लैक निकालना चाहिए, बाद में पानी में धो सकते हैं ये, ठीक है, लेकिन करते समय ही निकालना चाहिए। देखिए अगर हम चाहिए तो एक पूरा पीस भी फ्राई कर सकते हैं ना उसको, बीच में कट करके। हाँ पूरा पीस भी नहीं तो कट करके ऐसे वो करी में डालते हैं या रवा फ्राई कर सकते हैं ऐसे, ठीक है। और उसको बाद में नमक लगा के रख सकते हैं थोड़ी दिन के लिए, नमक लगाने से उसका थोड़ा टेस्ट, बाद में रेफ्रिजरेटर में रखा तो ये 4-5 दिन भी हम चला सकते हैं। अच्छा ठीक है, ओके, थैंक यू मम्मी।